नमस्कार दोस्तों, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत कुछ कॉम्प्लायंसेस करने के लिए डेट को एक्सटेंड किया गया है। यह डेट किस फाइनेंशियल ईयर से एक्सटेंड की गई है और किन केसेस में एक्सटेंड की गई है, इसके लिए सीबीआईसी ने नई प्रेस रिलीज जारी की है। दोस्तों, इससे पहले हम ये प्रेस रिलीज डिस्कस करें, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर जीएसटी के अपडेट मिलते रहें। दोस्तों, यह प्रेस रिलीज जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा जारी की गई है, जिसमें के बताया गया है कि सीबीआईसी ने नोटिफिकेशन नंबर 18/2022 सेंट्रल टैक्स इशू किया था 20 सितंबर 2022, जिसमें के फाइनेंस एक्ट 2022 के जो कुछ सेक्शंस हैं वो एप्लीकेबल कर दिए थे 1 अक्टूबर 2022 से, जिसके द्वारा कि जो टाइम लिमिट थी कॉम्प्लायंस करने की पिछले फाइनेंशियल की, वो एक्सटेंड की गई थी अगले फाइनेंशियल ईयर के 30 नवंबर तक। आप पिछले फाइनेंशियल ईयर की कॉम्प्लायंस कर सकते थे, या फिर यदि आपने एनुअल रिटर्न पहले फाइल कर दी है तो उस डेट तक। तो दोस्तों, जो सेक्शंस थे फाइनेंस एक्ट के और जो कोस्ट पेंडिंग जीएसटी एक्ट के सेक्शन है, वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। जैसे कि सेक्शन 100 क्लोज बी के अंतर्गत फाइनेंस एक्ट 2022 के वो अमेंडमेंट की गई थी जीएसटी एक्ट के सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 में, यानी कि पिछले साल का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है आप नेक्स्ट ईयर में क्लेम कर सकते हैं अप टू 30 नवंबर। इसी प्रकार सेक्शन 102 फाइनेंस एक्ट के द्वारा सेक्शन 34 सब सेक्शन 2 में अमेंडमेंट की गई थी जीएसटी एक्ट के, यानी कि जो आप क्रेडिट नोट दे सकते थे सप्लायर इशू करता था, उसके लिए भी अपडेट एक्सटेंड हो गई है। अब आप पिछले फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड क्रेडिट नोट 30 नवंबर तक जारी कर सकते हैं। इसी प्रकार सेक्शन 103 क्लोज सी जो था फाइनेंस एक्ट 2022 का, उसके द्वारा सेक्शन 37 सब सेक्शन 3 की प्रोविजो में अमेंडमेंट की गई थी, यानी कि जो आप GSTR1 यानी कि आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल दिखाते हैं उसमें भी आप रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। ये भी आप 30 नवंबर तक कर सकते हैं। पिछले फाइनेंशियल ईयर की डिटेल आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 30 नवंबर तक अमेंड कर सकते हैं। इसी प्रकार सेक्शन 105 क्लोज सी फाइनेंस एक्ट 2022 के द्वारा जीएसटी एक्ट के सेक्शन 39 सब सेक्शन 9 की प्रोविजो में अमेंडमेंट की गई थी, यानी कि जो आप रिटर्न में पर्टिकुलर फर्निश करते हैं उसमें आप रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं 30 नवंबर तक। इसी प्रकार सेक्शन 112 फाइनेंस एक्ट 2022 के द्वारा जीएसटी एक्ट के सेक्शन 52 सब सेक्शन 6 की प्रोविजो में अमेंडमेंट की गई थी, यानी कि जो TCS ऑपरेटर रिटर्न फाइल करते हैं वो भी उसमें रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं पिछले फाइनेंशियल ईयर की अगले फाइनेंशियल ईयर में 30 नवंबर तक। दोस्तों, यहाँ पे बहुत से डाउट टैक्स पेयर के थे जिन्हें कि अब CBIC ने क्लैरिफाई किया है। दोस्तों, यहाँ पे टैक्स पेयर के द्वारा डाउट रेज किए गए थे कि क्या ये जो डेट एक्सटेंड की गई है वो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 ऑनवर्ड एप्लीकेबल होगी या फिर फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए भी एप्लीकेबल होगी। इसके अलावा दूसरा डाउट ये रेज किया गया था कि ये जो टाइमलाइन दी गई है कॉम्प्लायंस की, वो क्या उन स्टेटमेंट के लिए एप्लीकेबल होगी जो कि आप 30 नवंबर तक फाइल कर देंगे, या फिर यदि आप नवंबर मंथ में की जो स्टेटमेंट है वो फाइल करेंगे उस डेट तक ये एप्लीकेबल होगी। इसके लिए CBIC ने क्लैरिफाई किया है कि ये जो कॉम्प्लायंस की डेट है वो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 ऑनवर्ड जो एक्सटेंड की गई है। इस प्रकार यदि आपने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का ITC मिस कर दिया है इनवाइसिस का डेबिट नोट का, आप 30 नवंबर 2022 तक वो क्लेम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये क्लेम आपको करना है उन रिटर्न में या फिर स्टेटमेंट में जो कि आप 30 नवंबर तक फाइल करेंगे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के, या फिर डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। इस प्रकार यहाँ पे ये भी क्लेरिफाई किया गया है कि जो मंथली रिटर्न है अक्टूबर मंथ की, उसकी डेट एक्सटेंड नहीं की गई है, जो ड्यू डेट है नवंबर में उस डेट तक आपको फाइल करनी है। इसी प्रकार यदि आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं फॉर द क्वार्टर एंडिंग सितंबर, उसके लिए भी डेट एक्सटेंड नहीं की गई है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी क्लेरिफिकेशन है कि आपका फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का ITC आप 30 नवंबर तक जो स्टेटमेंट फाइल कर देंगे, जो रिटर्न फाइल कर देंगे उसमें क्लेम कर सकते हैं, या फिर आपने क्रेडिट नोट इशू नहीं किए हैं तो आप 30 नवंबर तक जो रिटर्न फाइल करेंगे उसमें क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यदि आप इस डेट के बाद रिटर्न फाइल करेंगे, भले ही पिछले पीरियड की फाइल कर रहे हैं,
तो आपको इस डेट का एक्सटेंशन का जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आप इस प्रेस रिलीज को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर पाए। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA Satbir Singh टैक्स हेल्प पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।